श्रीलंका में नई सरकार के गठन की तैयारी शुरू हो गई है। पिछले कई महीनों से जारी आर्थिक तंगी और विरोध प्रदर्शन के बीच रानिल विक्रमसिंघे नए राष्ट्रपति के तौर पर श्रीलंका की कमान संभालेंगे। दरअसल श्रीलंका के सदन में वोटिंग के जरिए रानिल विक्रमसिंघे को राष्ट्रपति चुना गया है। बता दें कि श्रीलंका के सदन में नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे समेत तमाम सांसद उपस्थित रहे। राष्ट्रपति चुनाव से पहले श्रीलंकाई संसद के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। आपको बता दें कि श्रीलंका की संसद में हुए राष्ट्रपति चुनाव को जीतने वाले रानिल विक्रमसिंघे को 134 वोट मिले हैं। वहीं दुलस अलहप्रुमा को 82 और अनुराग कुमार दसानायके को सिर्फ 3 वोट मिले हैं। सदन में चुनाव से पहले सभी पार्टियों ने अपने सांसदों के आदेश जारी किए थे कि वो वोटिंग की तस्वीर क्लिक कर रखें, जिसके बाद संसद में फोन नहीं लाने का आदेश जारी हुआ। स्पीकर का कहना है कि चुनाव के दौरान आज किसी भी सांसद को मोबाइल फोन सदन में लाने की इजाजत नहीं होगी। कल पार्टी के कुछ नेताओं ने कथित तौर पर अपने सांसदों से गुप्त मतदान में क्रॉस वोटिंग की जांच के लिए अपने मत पत्रों की तस्वीरें लेने के लिए कहा था। एक ओर जहां राष्ट्रपति के चुनाव के लिए सांसद में वोटिंग हो रही थी, वहीं दूसरी ओर कोलंबो में राष्ट्रपति सचिवालय में कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के खिलाफ जनता का मौन विरोध प्रदर्शन चल रहा था। आपको बता दें कि श्रीलंका की संसद में 44 साल में पहली बार आज सीधे राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ में कार्यकारी राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के अलावा दुलस अलहप्रुमा और अनुराग कुमार दसानायके को मैदान में रखा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।